नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन का वास्तविक जीवन में यूज क्या है, यानी यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन रियल लाइफ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। समय व्यर्थ ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पे जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन का सारा क्रेडिट न्यूटन और लेबनीज पे जाता है, क्योंकि इन्होंने ही डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल 17वीं शताब्दी में डेवलप किया था। लेकिन इन दो मैथमेटिशियन के बाद इसाम ब्राम ने भी 16वीं शताब्दी में ही इसका डिफरेंशिएशन का शुरुआत कर दिया था। दोस्तों, यदि आप इस पूरे ब्रह्मांड पर यदि आप नज़र डालें तो आप देखेंगे कि 14 बिलियन साल पहले जो इसका फेस था, शायद उससे कहीं ना कहीं चेंजेस हुआ है। यानी प्रत्येक वस्तु समय के सापेक्ष चेंज हो रही है, चाहे वह वस्तु पृथ्वी की हो या किसी ब्रह्मांड की हो, चाहे वह सौरमंडल हो या गैलेक्सी हो, प्रत्येक वस्तु समय के सापेक्ष चेंज हो रही है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी जंगल में जाते हैं तो वहाँ की वस्तुएँ को फोकस करते हैं, लेकिन उसी जंगल में आप 10 साल बाद जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि उस जंगल में कई सारे चेंजेस हुए होते हैं। यानी पेड़ भी नए नए उगे होते हैं, कई सारी झाड़ियाँ आ गई होती हैं, कई सारे पेड़ भी कट गए होते हैं क्योंकि इंसानों द्वारा कटा गया होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि 10 साल के समयों में कुछ ना कुछ हमें चेंजेस मिला, और इसी समय के बदलाव को हम चेंजेस कहते हैं, और इसी चेंजेस को हम मैथमेटिक्स में कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन को समझा। अब चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंशिएशन का एक और मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब तोड़ना। यदि आप किसी लकड़ी को लीजिए और उसको 4 भागों में काट दीजिए, इसका मतलब क्या कर दिए, उसका डिफरेंस कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए। साइन का डिफरेंशिएशन, यानी साइन को जब तोड़ते हैं हम तो कॉस मिलता है, कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें माइनस साइन मिलता है। उसी प्रकार टेन का डिफरेंशिएशन करिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। उसी प्रकार अन्य सारी फलने होती है। चलिए हम फर्स्ट नंबर यूज देखते हैं साइंस के सवालों को बनाने में। यानी यदि कोई कार जा रही है, 2 किलोमीटर तय करती है कार, कितने मिनटों में 10 मिनटों में। तो यदि आपसे कोई कहे कि इसका स्पीड निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा। हम आपको बताएं कि डिफरेंशिएशन का मतलब किसी भी चीज़ को समय के सापेक्ष अवकलित कर लेना, यानी आप उसके डिस्टेंस को समय के सापेक्ष अवकलित करिएगा तो आपको भी यानी कार का वेग मिलेगा। तो भी बराबर डी एस बटा डी टी, यानी डी एस बराबर हमारा 2 है और डी टी बराबर 10 है, यानी 2/10 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड पर मिनट यानी कार की वेग है। थर्ड सेकेंड नंबर है भूकंप की तीव्रता को मापने में। यानी भूकंप की तीव्रता को मापने में भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। थर्ड नंबर है हमारा कि इंजीनियरिंग और कई सारे साइंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इंजीनियरिंग और साइंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे, यहाँ पर देखिए। यदि किसी एग्जांपल के लिए किसी कार की हम लोग जब बनाते हैं उसका डिजाइन, तो कार की डिजाइन बनाते वक्त आप देखते हैं कि अधिकतर डिफरेंशिएशन का यूज उस जगह होता है जहाँ कार की स्टीयरिंग, ब्रेक और गियर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये तीन चीज़ें हमेशा समय समय पर चेंज होती ही रहती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर है रडार गन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रडार गन एक ऐसी मशीन है जिससे किसी चलती हुई वस्तु की दूर से ही स्पीड मापा जा सकता है। यानी रडार गन से हम स्पीड नाप सकते हैं किसी वस्तु को। और जब स्पीड में हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज होता है फर्स्ट नंबर वाली रूल से, उसी प्रकार इसमें भी फोर्थ नंबर में भी रडार गन में जितने भी प्रिंसिपल लगे होते हैं, जितने भी मैकेनिज्म होते हैं, सब डिफरेंशिएशन के बेस पर ही होते हैं। इसका अधिकतर यूज यूएस पुलिस और क्रिकेटर करते हैं बॉल की स्पीड मापने के लिए। इसके बाद से हमारा फिफ्थ नंबर है बिजनेस। तो बिजनेस में भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। कैसे, डिफरेंशिएशन में यानी बिजनेस में कब ग्राफ ऊपर गया कब नीचे, यानी ग्राफ के माध्यम से हम बिजनेस को एनालिसिस करते हैं। ग्राफ ऊपर तो बिजनेस अप जा रहा है, ग्राफ नीचे तो बिजनेस डाउन जा रहा है। आप लोगों ने ट्रेनिंग तो खेला ही होगा, ऐप में होता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में आप लोगों को ध्यान दिया जाता है कि आने वाले समय में ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, तो वहाँ पर पहले जो जीतता है, जो खेलता है, उसको पहले डिफरेंशिएशन उसमें यूज होता है। आप यदि डिफरेंशिएशन का यूज करें तो आपको आने वाले समय में एक मिनट पता चल जाता है कि ग्राफ अप जाएगा या ऊपर। तो ट्रेनिंग एक बार और खेलिए, आप लोग देखिए जरूर ट्रेनिंग में, आप लोग पैसा भी उसमें मिलता है। तो यहाँ पर हमारा वो टॉपिक नहीं है। चलिए अगला हम देखते हैं सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर केमिस्ट्री के वेग को मापने के लिए, केमिस्ट्री के अभिक्रिया की दर को मापने के लिए। यानी कोई भी अभिक्रिया हम कराते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या है, स्पीड क्या है, इसको मापने के लिए हम डिफरेंशिएशन के यूज करते हैं, ताकि उसमें कितने मॉलिक्यूल बनते हैं या अभिक्रिया कितने समयों में समाप्त हो जाएगी, इसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अगला नंबर होता है हमारे ताप के लिए, यानी टेम्परेचर के रूप में भी हम डिफरेंशिएशन का रूप यूज करते हैं। टेम्परेचर नापना हो तो भी हम डिफरेंशिएशन का ही यूज करते हैं।
यहाँ तक आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन का यूज देखा, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेंटर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। जय हिंद।